दवाइयाँ और पर्ची। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बैंक की तरफ, और बैंक में थोड़ा काम है। वहाँ पे शुभम भी आ रखा है। यहाँ पे आ रखे हैं हम शुभम की शॉपिंग के लिए। शुभम जा रहा है कल केदार। मैं रोज अपना मतलब जो भी शॉपिंग करती हूँ इन्हीं की दुकान से करती हूँ। और कहाँ के हैं? हम सत्रह खाल से। सत्रह खाल से है मतलब। और मैं यहाँ पर ये साफ सब्जी और कुछ फल फ्रूट है। बहुत थकान लग गई और कभी कंधे में लाने की आदत भी नहीं है तो दर्द हो रहा है। और खत्म। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा पवार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की नई ब्लॉग में। नई ब्लॉग की स्टार्टिंग आधे रास्ते से हो रही है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मार्केट यानी कि तिलवाड़ा। हमारा जो मेन मार्केट है वो तिलवाड़ा है और तिलवाड़ा जा रही हूँ मैं। तो थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और थोड़ा सा बैंक के काम से भी जा रही हूँ। तो मेरा भाई आ रहा है तिलवाड़ा और उसके पैसे निकलवाने हैं तो मैं जा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल हम घर से निकले हैं और हम जा रहे हैं पैदल यानी कि तुनेटा के रास्ते। तो तुनेटा यहाँ से लगभग दो ढाई किलोमीटर होगा जाने के लिए। उसके बाद तुनेटा से बैठते हैं गाड़ी में। अभी सासू जी भी आ रहे हैं और उनको भी बहुत बुखार है तो थोड़ा मार्केट के जाते हैं दवाई लेने। और ये है हमारा पैदल वाला रास्ता। और कहीं सफ़र में जाना हो तो पैदल जाने के अलग ही मज़े होते हैं और हम जा रहे हैं पैदल। यहाँ पर नहर में आप देख रहे होंगे कि पानी लगा हुआ है। ये लगा रखा है लोगों ने अपने खेतों में। जो सटी होता है धान मतलब उसको उसकी बुआई होती है आजकल, तो उसको बोते हैं तो उसमें पानी चाहिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ की कोई भी फसल बिना पानी के नहीं होती है। और गाँव के ठीक नीचे एक नदी है। नदी में आजकल पानी तो बहुत कम है लेकिन। और यहाँ पे ठीक सामने महादेव का मंदिर है, हर हर महादेव। और आज का मौसम भी आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा मौसम है, धूप लगी हुई है। और ये रास्ता जाता है मवाण गांव के लिए और ये रास्ता जाता है तुनेटा के लिए। चुके हैं पुल में, पुल जहाँ पे तो रास्ते में पानी ही पानी है लेकिन ये जाता है पुल मतलब जो मांड नदी से पार के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पुल है। और ये हैं सासू जी। सासू जी भी आ गए हैं और ये इनको भी बुखार आ रखे हैं तो दवाई के लिए जा रहे हैं। बाहर छोड़ दिया है और ये जाता है बाजार के लिए रास्ता। सरील पे और कोचन था। हां कोचन सब कोचन बाजार जाना दवाई दे जाना खा लगे ना। हम पहुंच चुके हैं तुनेटा। यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं मिल रही है। लगभग आधा घंटा हो गया हमको यहाँ पे पहुंचे हुए। आ भी रही हैं तो सब मयाली जा रही हैं और इधर के लिए कोई गाड़ी नहीं आ रही। परेशान हो गए हम तब से। यहाँ बड़ी मुश्किल के बाद अब जाके हमें गाड़ी मिली है। तिलवाड़ा बाजार में इधर साइड जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल खुला है नया तो उसमें जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। ये है हॉस्पिटल नया वाला और बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे बहुत भीड़ है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बाहर आ रखी हूँ। कोल्ड की भी देना चाहिए।
दवाइयाँ और पर्ची। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा बैंक की तरफ, और बैंक में थोड़ा काम है, वहाँ पे शुभम भी आ रखा है। टाइम हो चुका है दोपहर का 10:30, और धूप देखो बहुत कड़क वाली धूप है, इसमें बुखार भी आएगा ही, जो आया भी हुआ है बिगड़ जाएगा। ये आ गया शुभम। प्रणाम। ठीक है, बैंक का काम और हॉस्पिटल का काम हमारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं पलीपार। और ये है नीचे नदी। यहाँ पे आ रखे हैं हम शुभम की शॉपिंग के लिए। शुभम जा रहा है कल केदार। मैं रोज अपना मतलब जो भी शॉपिंग करती हूँ इन्हीं की दुकान से करती हूँ। और कहाँ के हैं? सत्रह खाल से मतलब, और मैं मतलब तिलवाड़ा मार्केट में ये दुकान है, इनकी दुकान में बहुत अच्छा सामान मिलता है। मैंने अपने शादी की शॉपिंग भी कुछ यहीं से करी है और अच्छा मिलता है सामान, तो मैं डेली की शॉपिंग यहीं पे करती हूँ। हेलो गर्दोजी। हेलो। ये है आइसक्रीम, जुकाम लगाया है लेकिन आइसक्रीम खाने के कुछ अलग ही मज़े हैं। हम पहुंच चुके हैं सीधा तुनेटा बाज़ार में, और थोड़ा सा खाते हैं आइसक्रीम, उसके बाद कड़क धूप में जाना है। हम तुनेटा से जाने लगे हैं। मेरे पास एक कट्टा है जिसपे कि सामान है, मतलब बहुत सारी पॉलीथीन थी हाथ पे, तो पॉलीथीन पे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन तब मैंने कट्टा मांगा दुकानदार से, और तब कट्टे भी ले जा रहे हैं। सुबह बिल्कुल अच्छा मेकअप करके जा रहे थे, और अभी देखो मेकअप के बुरे हाल हो गए हैं। धूप लग रखी है, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और दोपहर के 2 बजे की धूप में हमने उस पार जाना है। हाँ हाँ लो, उस पार जाना है हमने। बहुत धूप लगी हुई है और बहुत गर्म हो रहा है, बहुत थकान लग गई, और कभी कंधे में लाने की आदत भी नहीं है तो दर्द हो रहा है। और कट्टा मैंने वहाँ पे रख दिया है, अब थोड़ा पीते हैं लिमका। सासू जी अभी नहीं आए, आ गए। ये देखो इनकी भी हालत ख़राब हो गई यहाँ पर तक आने आने तक। लिमका पियो तब जाएंगे धूप में। आज हमारी आज दे अभी है पता है, और अब जाके कूदनी है हमको
बुखार तो उतर गया अभी बिल्कुल नहीं है। लिम काफी हो आते हैं कोर्ट नेचर होता है। इनको डर लग रहा। यहाँ पर ये साफ सब्जी और कुछ फल फ्रूट हैं, इनको फ्रिज में रखने से पहले मैंने धो दिया है इस बाल्टी में और सुखाने रखा है यहाँ पर। और ये है हमारा फ्रिज। फाइनली 2:30 बजे हम पहुँच गए हैं रूम पे। सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा सा करते हैं रिलैक्स। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, बाय।